हेलो फ्रेंड, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे पोटेंशियोमीटर कंट्रोल सर्वो मोटर यूजिंग आर्डिनो, जो कि हम लोग टिंकरकैड में बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टिंकरकैड ओपन कर लीजिए। ये हमारा टिंकरकैड का टेक्स्ट बोर्ड है। यहाँ हमारा सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया है। अब हम यहाँ पर कॉम्पोनेंट सर्च करेंगे। आर्डिनो यूएनओ R3, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। इसके बाद हम सर्च करेंगे पोटेंशियोमीटर और एक हम ले लेंगे ब्रेडबोर्ड। ये हमने एक ब्रेडबोर्ड ले लिया मिनी। इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर हम लोग पोटेंशियोमीटर को पुट करेंगे और इसके बाद हम लोग एक ले लेंगे सर्वो मोटर। सर्वो मोटर दोनों में से कोई भी एक सर्वो मोटर हम लोग ले लेंगे। ये हमने सर्वो मोटर ले लिया है, इसको रोटेट कर लेते हैं। ये सर्वो मोटर हमने यहाँ लगा दिया। अब हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे। इस ब्रेडबोर्ड की जगह हम लोग स्मॉल ब्रेडबोर्ड लेते हैं। फिर से सर्च करेंगे ब्रेडबोर्ड। ये ब्रेडबोर्ड स्मॉल ये हमने ले लिया। अब इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर पुट कर देंगे। अब हम लोग यहां से 5 वोल्ट कनेक्ट करेंगे ब्रेडबोर्ड पे। 5 वोल्ट हमने कनेक्ट कर दिया। इसको हम लोग कर देंगे रेड और इसके बाद हम लोग कनेक्ट करेंगे GND। GND कनेक्ट कर दिया। ये GND भी कनेक्ट हो गया, इसको कर देंगे ब्लैक। अब हम लोग देखिए पोटेंशियोमीटर के टर्मिनल 3 टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल 1 ये वाइपर है और टर्मिनल 2। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 एक टर्मिनल पे पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, सेकेंड टर्मिनल पे नेगेटिव। तो हम लोग इसको पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट टर्मिनल पे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई एक कनेक्ट करना है। आपको पॉजिटिव कनेक्ट करना है तो पॉजिटिव कर दीजिए आप। और यहां से नेगेटिव हम कनेक्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं और वायर का कलर हम चेंज करते हैं जिससे हमको समझ में आए। ब्रेक कर दिया है और इसकी मिडिल पिन हम लोग एनालॉग से कनेक्ट कर देंगे, एनालॉग A0 से। ये हमने कनेक्ट कर दिया एनालॉग A0। A0, A1, A2, A3 कोई भी पिन से, एनालॉग पिन से ही कनेक्ट करना है। अब देखिए सर्वो मोटर है। सर्वो मोटर में देखिए एक वो 3 पिन होती है, ग्राउंड होती है जो हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव से। हमने नेगेटिव कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर जाके कलर चेंज किया ब्लैक। ये हमारी पावर है, इसको VCC कनेक्ट कर देंगे 5 वोल्ट। ये हमारा 5 वोल्ट हो गया और ये हमारे सिग्नल पिन है जो कि आर्डिनो की 6 पिन से हम कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने 6 पिन से कनेक्ट कर दिया। ये हमारी टोटली सर्किट कंप्लीट हो गई है। जो वायर हमारे थोड़ा सा टिल्ट है उसको हम सीधा कर देते हैं। अब हम लोग कोड सेक्शन में जाएंगे। कोड पे क्लिक करिए। कोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे, इसको थोड़ा साइड करते हैं, इस कोड को डिलीट करिए। अब सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम लोग। एक तो पोटेंशियोमीटर का हो जाएगा पोटेंशियो मीटर, पोटेंशियोमीटर और एक आउटपुट का वेरिएबल ले लेते हैं आउटपुट। दो वेरिएबल ले लिया हम लोग। सेट पिन यहां पर लाएंगे। सबसे पहले हमें पोटेंशियोमीटर डिफाइन करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट करिए पोटेंशियोमीटर और कनेक्ट किस पे है पोटेंशियोमीटर,
इनपुट में जाइए, रीड एनालॉग पिन। एनालॉग पिन किस पे कनेक्ट है? पोटेंशियोमीटर A0 पे। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे अगेन वेरिएबल पे क्लिक करिए। अब यहाँ पास फिर जाएंगे, फिर आउटपुट ब्लॉक लेंगे। आउटपुट ब्लॉक हम लोग लेंगे कि सर्वो पोटेंशियोमीटर की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो वैसे वैसे सर्वो मोटर का एंगल भी चेंज होता जाए। सर्वो मतलब पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू अलग अगर चेंज है, हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे, जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे तो वैल्यू चेंज होगी, उसी तरीके से एंगल भी हमारा चेंज हो। तो इसके लिए हम लोग मैपिंग करते हैं। मैपिंग के लिए मैथ सेक्शन में जाइए, मैप का ब्लॉक यहाँ पुट करिए, और फिर वेरिएबल में जाइए, किससे मैप कराना है? पोटेंशियोमीटर की वैल्यू से हम लोग मैप कराएंगे। इसको थोड़ा सा साइड करते हैं जिससे आपको कोड पूरा शो हो। सर्वो मोटर की एंगल क्या होती है? 0 to 180 होती है, तो 0 to 180 हमने यहाँ पुट कर दिया है। अब हम लोग आउटपुट पे जाके रोटेट सर्वो, सर्वो पिन किस पे कनेक्ट है? 6 पे। इसके बाद वेरिएबल में जाएंगे और यहाँ पे आउटपुट का वैल्यू रख देंगे। मतलब यहाँ पे पोटेंशियोमीटर रोटेट करेंगे तो सर्वो आउटपुट की वैल्यू 0 to 180 में आएगी। जैसे जैसे यहाँ चेंज होगी वैसे वैसे यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे एंगल चेंज होता जाएगा तो सर्वो भी ऑपरेट होती चली जाएगी। अब देखिए कोड पे क्लिक करिए और स्टार्ट सिमुलेट पे क्लिक करेंगे। अब जब हम पोटेंशियोमीटर को रोटेट करेंगे तो हमारी ये वैल्यू, पोटेंशियोमीटर हम रोटेट करेंगे तो सर्वो अपने आप ऑटोमेटिक रोटेट होती जाएगी। ये देखिए जैसे जैसे पोटेंशियोमीटर का एंगल चेंज हो रहा है, पोटेंशियोमीटर की जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे सर्वो हमारी रोटेट हो रही है। ये देखिए जैसे पोटेंशियोमीटर रोटेट होगा वैसे ही हमारी सर्वो भी ऑपरेट होगी। अब कोड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए अब हम लोग फिर से कोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, स्टॉप सिमुलेट करेंगे। देखिए इसी कोड को अगर जैसे अगर हमें हार्डवेयर पे करना है तो हम लोग सेम सर्किट हम लोग कनेक्ट करेंगे। आर्डिनो से एक पोटेंशियोमीटर ले लेंगे, पोटेंशियोमीटर आप ले सकते हैं 10K का भी ले सकते हैं, जैसे हम कर देते हैं तो 10K का पोटेंशियोमीटर ले लेंगे। स्टार्ट सिमुलेट करके ऑपरेट करके देख लीजिए, 10K का पोटेंशियोमीटर ले लेंगे और फिर यहाँ पास टेक्स्ट कोड कहाँ पे मिलेगा? तो ब्लॉक पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ में ब्लॉक प्लस टेक्स्ट, पहले आप टिंकरकैड में करिए फिर सेम कनेक्शन हार्डवेयर में करिए, ब्लॉक प्लस टेक्स्ट पे क्लिक करिए, फिर आपको यहाँ से कोड मिल जाएगा। इस कोड को सिंपली आप कॉपी करिए और आर्डिनो IDE पे पेस्ट करिए और अपने हार्डवेयर आर्डिनो पे अपलोड करिए, तो आपका ये सर्किट आपकी ऑपरेट होने लगेगी। जैसे हम फिर से दिखा देते हैं आपको सर्किट, इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, अब इसको रोटेट करेंगे, जैसे जैसे पोटेंशियोमीटर वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे आपकी सर्वो भी चेंज होती रहेगी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही सीखेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और भी बहुत सारी एक्टिविटी कराएंगे। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।